हरे कृष्णा। तो भाई आज कुछ स्विंग ट्रेड मैं आपके लिए लाया हूं, जो दिखा दे रहा हूं कि कौन कौन सा है और पिछले वाले का कैसा परफॉर्मेंस था। देखिए बहुत बढ़िया पिछले वाले का परफॉर्मेंस था, सबका रहता है। मतलब मैं आपको RSI जो कुछ भी मैं लगाता हूं वो देख करके ही आपको बताता हूं। देखिए इस तरह का मूवमेंट आपको आराम से बहुत बढ़िया आप यहाँ पर पैसा बना सकते हो, लेकिन आप लोग कोशिश नहीं करते हैं कि चलो कहीं से पैसा बनाया जाए। पहले वाला जितना भी अभी पिछले बार का दिया हुआ है, जाके स्विंग ट्रेड का लास्ट वीडियो उसको जाके देखिए, उसमें अभी जितना है ना वो सब पे अभी ट्रेड चल रहा है। खास करके बंधन बैंक भी अच्छा दे रहा है। आप BSE में काम कर सकते हैं कि BSE लिमिटेड का ये हम लोगों ने जब दिया था तो भाई प्राइस एक्शन सीखिए, पैसा बनाइए, पैसा बनता है यहाँ पे। फालतू का कुछ ये सब वीडियो वगैरह मत देखो कि कितना कहाँ प्रॉफिट बन जा रहा है, 1 लाख का सीधा 10 लाख बनाने के चक्कर में मत पड़ो। ऐसा नहीं होता है, होता भी है तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के पीछे मत भागिए, आराम से यहाँ काम कीजिए। तो चलिए अभी दिखा देते हैं आपको कि आज कौन कौन सा स्टॉक आपको देखना है कल के लिए मंडे को। तो सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ये BSE जो भी अगर लिए हैं तो उसको बेच दीजिएगा, क्योंकि उसका RSI 77 के आसपास चल रहा है, तो अब उसमें मज़ा नहीं रहा, अब थोड़ा सा वो डाउनसाइड में आएगा तो निकाल दीजिएगा। तो चलिए ये हो गया आपका बिरला सॉफ्ट। जो भी ट्रेड है ना भाई, जो भी स्टॉक है मैं छोटा देख करके लाता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बिगनिंग में हम लोग के साथ क्या दिक्कत होता है, फंड का प्रॉब्लम होता है। तो अगर 3000 भी है आपके पास तो इसमें थोड़ा सा पैसा लगा सकते हैं, 3000, 5000, 10000 इस तरह से भी कैपिटल है ना, तो 10 शेयर और इस तरह से लेके देख सकते हैं। इसमें पैसा आपका जाएगा नहीं और थोड़ा थोड़ा ना खुशी मिलेगा, 100 रुपया 200 रुपया ही बनता है ना, तो खुशी मिलेगा धीरे धीरे। और इसको इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं, इंट्राडे में भी अच्छा काम करेगा। तो ये वाला देख लीजिए, यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, प्लस आपको डबल बॉटम दिख रहा होगा एकदम लॉजिक से, ठीक है, डबल बॉटम जिसमें दूसरा वाला बॉटम अप में है। तो ये जैसे ही इसका ब्रेकआउट एक बार कर चुका है, थोड़ा ये डाउनसाइड का मूव बना था, लेकिन जैसे ही अभी अपसाइड के लिए यहाँ पे निकलेगा तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं आराम से। फर्स्ट टारगेट इस लेवल पे देखिएगा आप, 300 से थोड़ा सा पहले 298 वगैरह के आसपास, मतलब फर्स्ट टारगेट जो जहाँ पे आपको लगे, अपना रिस्क एंड रिवार्ड देख करके। और स्टॉप लॉस आपको भी पता है कि इस कैंडल का, प्रीवियस कैंडल का लो में डालिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो चलिए एक हो गया, अब दूसरा। लेवल्स में बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, आपको खुद देखना है, खुद प्राइस एक्शन सीखना है तो खुद कीजिए। दूसरा स्टॉक है, बहुत सब छोटा छोटा है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये अंबुजा सीमेंट सबको पता है। देख लीजिए कितना बार यहाँ पे टच कर चुका है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, 1, 2, 3 और ये चौथा है। प्लस इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें वॉल्यूम बढ़ा है, बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम बढ़ा है। तो वॉल्यूम हम लोग जैसा छोटा छोटा इंसान से वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है बड़ा जो ट्रेडर होता है, म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, तो उन लोग जब बाइंग करते हैं या उन लोग सेलिंग करते हैं तो उससे वॉल्यूम में ज़्यादा मतलब गिरावट या अपसाइड का मूवमेंट दिखता है। तो वॉल्यूम इसमें बढ़ा है और अच्छा खासा बढ़ा है। तो मतलब इसका एवरेज अगर वॉल्यूम आप देखेंगे, थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, तो देखिए इसका अगर एवरेज देखिएगा तो देखिए कितना का जा रहा है, 4 मिलियन और 3 मिलियन इस तरह से, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें वॉल्यूम आया है 11 मिलियन। तो वॉल्यूम बहुत बड़ा चीज़ होता है भाई, ये इसको देख लीजिएगा। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो ऊपर साइड के लिए तो इसमें अपना एंट्री आप बना लीजिएगा इस जगह पर, ठीक है। तो दो स्टॉक हो गया, अभी आपको तीसरा मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, तीसरा हो गया आपका, ये रहा आदित्य बिरला कैपिटल, ABC करके आएगा आपको। ये जो है भैया एकदम सब 1 डे टाइम फ्रेम पे है, देख लीजिए ये हेड एंड शोल्डर बन करके यहाँ पे निकला है। और अभी क्या है कि आराम से ये इसका ब्रेकआउट दे करके रिटेस्ट करके अब वापस से जा रहा है, तो एकदम रेडी टू ईट जिसको बोलते हैं ना, वो वाला स्टॉक है ये। RSI भी इसका सही है, मतलब एक बार ऊपर गया, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर से रिटेस्ट, और रिटेस्ट करने के बाद जहाँ पे एंट्री एग्जैक्ट लेना चाहिए तो वहाँ पे है, और 167 का है, तो देख सकते हैं। थोड़ा सीखने के लिए है, मतलब जिसको पैसा कमाना है पैसा भी बना सकता है, और नहीं तो सीखने के लिए ये सब बेस्ट है। सीखिए, समझिए, सब लर्निंग पर्पज से इसको यूज कीजिए, कुछ ही पैसा लगाइए, देखते रहिए उस तरह से, ठीक है।
अब तीन स्टॉक हो गया, एक और स्टॉक आप देख लीजिए। चलिए तीन स्टॉक हो गया, हाँ तीन स्टॉक हो गया। एक तो इसमें बंधन बैंक भी अभी रहेगा, बंधन बैंक अभी सही है, तो बंधन बैंक भी अभी बढ़िया वाला आपको ब्रेकआउट दिया है, तो इसमें भी देख सकते हैं आराम से ऊपर साइड में जाएगा, तो वही चल रहा है। तो चलिए अगर अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, शेयर सब्सक्राइब वगैरह कीजिए। हरे कृष्णा।